ओके हाय एवरीवन सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स विद डायलेक्ट्रिक्स अगेन जेडी जैक्सन से ही कर रहे हैं सो चैप्टर फोर एंड टॉपिक नंबर फोर पॉइंट फोर बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स विद डायलेक्ट्रिक्स इसमें हम तीन टाइप की प्रॉब्लम्स करेंगे ठीक है सो फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास यहाँ पर जो गिवन है यहाँ से आपको है ना फर्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास में क्या है तो पॉइंट चार्ज क्यू एम्बेडेड इनमी इंफानाइट डायरेक्ट्रिक्स डी अवे फ्रॉम इंटरफेस दैट सेट द फर्स्ट मीडियम फ्रॉम अनादर सेमी इन्फानाइट डायरेक्ट्रिक एप्सायलन टू लेट मी एक्सप्लेन यू द प्रॉब्लम हियर यू कैन सी अ डायग्राम सो यहाँ पे हमारे पास में क्या है कि एक इस डायरेक्शन में एक सरफेस है ठीक है ये मैंने लाइन ड्रॉ की है ये प्लेन के स्क्रीन के परपेंडिकुलर है इसके इस साइड में जो मीडियम है उसका डायरेक्ट कॉन्स्टेंट है एप्साइलन टू और इसके राइट साइड का जो मीडियम है वो कितना है एप्साइलन वन है ठीक है और ये सेमी इंफानाइट का मतलब ये है कि ये यहाँ प्लेन से स्टार्ट होके और इधर इन्फिनिटी तक जाता है और ये यहाँ बाउंड्री से स्टार्ट होके माइनस इंफिनिटी तक जाता है तो दोनों मीडियम क्या है अपने पास सेमी इन्फानाइट है ठीक है अब हमने यहाँ पे क्या किया है जो ये वाली लाइन है मतलब ये जो इंटरफेस है हमारे पास में और इसके परपेंडिकुलर लाइन जो है वो हमारे पास में कौन सी है जेड एक्सिस है करेक्ट ये जेड एक्सिस है तो ये जो हमारे पास बाउंड्री है ये हमारा ओरिजिन ओ यहाँ पे है सो ये प्लेन कौन सा हुआ दिस इज जेड इक्वल टू तो जीरो प्लेन कह लो या फिर इसको एक्स वाई प्लेन कह लो क्योंकि ये जेड एक्सिस के परपेंडिकुलर है तो ये आपको समझ में आ गया तो यहाँ लिखा हुआ है द सरफेस मे बी टेकन एज द प्लेन जेड इक्वल टू जीरो बीच की बाउंड्री है हमारे पास में ये बाउंड्री है ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है नाउ मतलब हमें ये कहा गया है कि जो हमने Q चार्ज रखा है वो एप्साइलन वन मीडियम में यहां ओरिजिन से ओरिजिन से D डिस्टेंस पर Z एक्सिस पे D डिस्टेंस पर हमने एक चार्ज रखा है Q चार्ज So, वो क्यू यहाँ पर दिख रहा होगा आपको क्यू चार्ज रखा है किसमें एप्साइलन वन वाले मीडियम में और एप्साइलन टू मीडियम में कोई चार्ज नहीं है और इसकी डिस्टेंस यहाँ पे डी दी हुई है और ये एक्सेस जो है वो जेड गिवन है इतना थ्योरी अभी तक है नाउ वी मस्ट फाइंड द अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन टू द इक्वेशंस अब हमारे पास में हमारे पास कंडीशन क्या है देखो हम गॉस लॉ अप्लाई करते हैं तो डायलैक्ट्रिक के लिए गॉस लॉ हम जानते हैं डेल डॉट ई इज इक्वल्स टू रो अपॉन एप्सिलॉन होता है ठीक है तो z पॉजिटिव के लिए व्हेन z इज ग्रेटर देन जीरो तब हमारे पास गोस्लो ये इक्वेशन से दिया जाएगा और z लेस देन जीरो में इस इक्वेशन से, से दिया जाएगा एंड डेल क्रॉस इक्वल टू जीरो तो हमारे पास होता ही है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कंजर्वेटिव होती है ये वाले दोनों इक्वेशन जो है ये कैसे आई ये मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पे सो so, हमारे पास यहाँ पे देखो ये बाउंड्री है इधर हमारे पास एप्साइलन वन है इधर हमारे पास एप्साइलन टू का मीडियम है सो so, अगर यहाँ पे गौस अप्लाई करेंगे और तो हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पे डेल डॉट ई इज इक्वल टू रो अपॉन एप्साइलन वन करेक्ट सो so, हमारे पास में और ये है z इक्वल टू जीरो सो जब हम z ग्रेटर देन जीरो पे जा रहे हैं तो हम कौन से रीजन में आ रहे हैं एप्साइलन वन वाले रीजन में आ रहे हैं बिकॉज हियर z ग्रेटर देन जीरो है एंड हियर z लेस देन जीरो है तो so, z ग्रेटर देन जीरो पे हमें ये इक्वेशन मिल रही है करेक्ट तो हमारे पास में जो फर्स्ट इक्वेशन है वो यहाँ पे देख लीजिए ये मिल जाएगा है ना इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमें मिल जाएगा एप्साइलन वन Del dot e and that is equals to rho. Correct? सो so, ये मिल रहा है हमें z ग्रेटर देन जीरो के लिए लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास एप्साइलन टू है और वहां पर हमने कोई भी चार्ज नहीं रखा है क्योंकि जो एपसाइलन वन है उसमें हमारे पास d डिस्टेंस पे q चार्ज रखा हुआ है अगर q चार्ज रखा हुआ है इसका मतलब चार्ज है चार्ज है तो चार्ज डेंसिटी भी है लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास कोई चार्ज नहीं रखा हुआ है अगर कोई चार्ज नहीं रखा हुआ है तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी जीरो हो जाएगी तो जब यहाँ पर गॉस लॉ लिखेंगे तो डेल डॉट .E ई इज इक्वल्स टू हमारे पास जीरो मिलेगा वैसे तो रो अपॉन एप्साइड टू होता है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एफ टू और यहाँ पे आ जाएगा डेल डॉट ई एंड दैट विल बी इक्वल टू रो बट रो इक्वल टू जीरो है तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा जीरो और ये किस रीजन के लिए है जेड लेस देन जीरो के लिए सो लेट मी शो यू दिस थिंग ये एबसाइलेंट टू जो है डेल डॉट ई इज इक्वल टू जीरो ये लेस देन जीरो के लिए हो जाएगा सो तीन इक्वेशन तो आपको क्लियर हो गई सब्जेक्ट टू द बाउंड्री कंडीशन z इक्वल टू जीरो पर हमने बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करी है तो बाउंड्री कंडीशन जो है वो यहाँ पे देखो फर्स्ट में लेफ्ट हैंड साइड में जो लिमिट अप्लाई की हुई है वो लिमिट है

कि मैं बता देती हूँ आपको बाउंड्री कंडीशन क्या क्या पहले बता देती हूँ सपोज हमारे पास कोई डाइलेक्ट्रिक सरफेस है जब हम एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं कोई भी वेक्टर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का तो हमारे पास में यहाँ पर सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर है और यहाँ पे ये E2 है और ये E1 है क्योंकि ये मीडियम नंबर टू है और ये मीडियम नंबर वन है सो so, जो E2 है उसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं एक नॉर्मल कंपोनेंट होगा E परपेंडिकुलर और एक टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा E पैरेलल इसको ई टी भी बोल सकते हैं टेंजेंशियल होगा और ऐसे ई e, एन भी बोल सकते हैं ये नॉर्मल कंपोनेंट होता है सिमिलरली जो फर्स्ट मीडियम है उसके अंदर भी हमारे पास जो ईवन है उसके दो कंपोनेंट होंगे यहाँ पे ई e परपेंडिकुलर भी होगा और ई e पैरल भी होगा बाउंड्री कंडीशन ये कहती है कि जो डाइलेक्ट्रिक सर्फेस होता है यानी सेकेंड मीडियम में भी डायइलेक्ट्रिक है फर्स्ट मीडियम में भी डायलेक्ट्रिक अगर है तो बीच में जो बाउंड्री होती है इनकी उस बाउंड्री के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो परपेंडिकुलर जो पैरल कंपोनेंट होता है फर्स्ट मीडियम में और सेकेंड मीडियम में टेंजेंशियल कंपोनेंट इक्वल होता है यानी जो पैरल होता है प्लेन के वो कंपोनेंट तो होता है इक्वल और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यानी परपेंडिकुलर कंपोनेंट की बात करें तो वो डिस्प्लेसमेंट वैक्टर होता है डिस्प्लेसमेंट वैक्टर वन मीडियम का और डिस्प्लेसमेंट वैक्टर सेकेंड मीडियम का जो होता है वो इक्वल होता है तो यहां से अगर, अगर अपन लेंगे तो हमारे केस में ये वाला प्लेन था इधर एपसाइल वन है और इधर एप्साइडेंट टू है करेक्ट ये जो प्लेन है वो पूरा का पूरा हमारे पास कौन सा है एक्स वाई प्लेन है सो so, हमारा जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा वो परपेंडिकुलर कौन सा होगा z डायरेक्शन में होगा इधर z डायरेक्शन में होगा इसका मतलब जो पैरेलल कंपोनेंट होगा वो कौन सा होगा ex और ey कंपोनेंट होगा तो पैरेलल कंपोनेंट तो इक्वल लेना पड़ेगा तो अगर हम लेते हैं ex और उस पे हम लगाते हैं लिमिट और z टेंड्स टू 0 प्लस यानी राइट हैंड साइड में हमारे पास ex जो होगा और लेफ्ट हैंड साइड में जीरो माइनस और ई एक्स ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे कौन सी बाउंड्री कंडीशन से टेंजेंशियल कंपोनेंट फर्स्ट मीडियम का और टेंजेंशियल कंपोनेंट सेकेंड मीडियम का इक्वल होना चाहिए इसी तरह से हमारे पास जो बाउंड्री है उसमें वाई एक्सिस भी है सो so, ई जो है वो भी आपका टेंजेंशियल कंपोनेंट की कैटेगरी में ही आएगा तो जेड टेन्स टू जीरो प्लस ई और लिमिट z टेंस टू जीरो माइनस ई वाई ये दोनों भी आपके पास बराबर होंगे तो ये दोनों बाउंड्री कंडीशन तो हमने लगाई है टेंजेंशियल कंपोनेंट पे ठीक है टेंजेंशियल पे अब परपेंडिकुलर पे लगाते हैं तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल होता है तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इक्वल होने पे लिमिट z टेंस टू जीरो प्लस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन सा जेड डायरेक्शन में लेंगे और यहाँ पर लिमिट

हमारा कांस्टेंट कौन सा है एप्सलन टू और वहां पे हो जाएगा ई जेड ये हमारी तीसरी बाउंड्री कंडीशन हो जाएगी सो नॉर्मल कंपोनेंट तो हमारे पास ये देगा और जो पैरल कंपोनेंट है उससे हमें दो बाउंड्री कंडीशन मिलेगी इन तीनों बाउंड्री कंडीशन को कंबाइन करेंगे तो इक्वेशन नंबर फोर मिल जाएगा तो ये आप थोड़ा सा यहाँ पर देख लीजिए देखो एप्साइलन वन ई जेड एप्साइलन टू के बराबर है ई एक्स के बराबर है ई वाई के बराबर है लिमिट जेड टेंस टू जीरो प्लस z tends to 0 minus and del cross e equal to 0 हमें सब जगह मिल रहा है चलो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया अब हम क्या करते हैं सपोज फॉर z equal to uh, z greater than 0 यानी राइट हैंड साइड में जो भी हमारे पास रीजन है उसमें किसी एक पॉइंट पर और वो पॉइंट ले लेते हैं p और वहां पर हम पोटेंशियल निकालते हैं पोटेंशियल जो निकाल रहे हैं वो हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स के टाइम में निकालेंगे रो जेड तो आप थोड़ा सा ज्योमेट्री में सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट गूगल पे पढ़ लेना सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट किस तरह से होते हैं तो हमारे पास में यहां क्या करेंगे अब देखो यहाँ पर हम यहाँ इस तरह से कर रहे हैं इन अटेम्प्टिंग टू यूज द इमेज मेथड अब हम यहाँ पे मेथड ऑफ इमेजेस यूज करेंगे तो मेथड ऑफ इमेज अगर अपन यूज करेंगे तो एक हमें बाउंड्री दी हुई है और यहाँ पे हमें क्यू चार्ज गिवन है तो हम क्या करेंगे ये डी डिस्टेंस पे गिवन है तो मेथड ऑफ इमेज जो मैंने पढ़ाया था आपको प्रीवियस लेक्चर में उसकी हेल्प से हम लेफ्ट हैंड साइड में डी डिस्टेंस पर इसका इमेज चार्ज मान लेते हैं क्यू प्राइम हम इक्वल चार्ज मान लेते अगर यहाँ पे डायरेक्ट्रिक नहीं होता तो लेकिन क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट्रिक है तो हमें पता नहीं है कि क्यू प्राइम की वैल्यू क्या आएगी लेकिन हमने लेफ्ट हैंड साइड में उसका इमेज चार्ज मान लिया क्यू प्राइम सो इट इज नेचुरल टू लोकेट एन इमेज चार्ज क्यू प्राइम एट द सिमेट्रिकल पोजिशन ए प्राइम शोन इन फिगर फोर पॉइंट फोर तो हमारे पास में ये देखो डायग्राम यहाँ पे हमारे पास में मीडियम बनाया हुआ है एप्सिलॉन वन और यहाँ एप्सिलॉन टू का मीडियम है यहाँ ओरिजिनल चार्ज क्यू था और यहां पर हमने इमेज चार्ज क्यू प्राइम मान लिया और जो ऑब्जर्वेशन पॉइंट है जहां

की वैल्यू निकालने के लिए इस डायग्राम को 3D में इमेजिन कर लो और मैं आपको एक निकाल के बता देती हूँ दूसरा आप खुद ही निकाल लेना है ना तो हमारे पास में आ, ध्यान से देखिए यहाँ पे ए पॉइंट जो है वो जेड एक्सिस पे है वो प्योर जेड एक्सिस पे है डी डिस्टेंस पे तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे जीरो जीरो एंड डी इसके कोऑर्डिनेट जीरो जीरो डी हो जाएंगे और पी पॉइंट जो है वो बीच में कहीं रैंडम जगह है अब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट हमारे पास होता है रो फाइ एंड जेड ये होता है हमारे पास में ठीक है रो फाइ जेड के बारे में क्या क्या होता है ये आप उसमें पढ़ लेना सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट के डेरिवेशन पे ज्योमेट्री में सो so, पी जो है वो ऑब्वियसली जेड एक्सिस किसी पर्टिकुलर एक्सिस पे लाइन नहीं कर रहा है तो so, सपोज इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे रो जहां रो जो है वो डिस्टेंस ध्यान रखना कौन सी डिस्टेंस होगी जब इस पी पॉइंट से जेड एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालोगे तो वो डिस्टेंस कौन सी होगी रो होगी ये आपको कोऑर्डिनेट में समझ में आ जाएगा एंगल की बात हम यहाँ इसलिए एंगुलर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं ले रखा है तो जीरो और ये आ, इसका ऑब्वियसली जेड डायरेक्शन में भी कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट है तो इसके कॉर्डिनेट कितने हैं रो जीरो जीरोड इसी तरह से इसके प्राइम के जो कॉर्डिनेट है वो कितने हैं जीरो एंड एंड जीरो माइनस डी अब आप डिस्टेंसेस निकाल सकते हैं r1 डिस्टेंस जो है इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस होगी तो r1 आपके पास में हो जाएगा रूट ऑफ़ अब यहाँ पे देख लीजिए x2 y2 z2 x1 y1 z1 तो डिस्टेंस निकालते हैं तो क्या करते हैं x2 minus x1 का स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का स्क्वायर प्लस z2 minus z1 का स्क्वायर सो यहाँ पे हो जाएगा 0 0 का स्क्वायर 0 0 का स्क्वायर और ये हमारे पास हो जाएगा z- माइनस डी लिखो या d- माइनस जेड लिखो किसी का भी लिखो d- माइनस जेड का स्क्वायर हो जाएगा ठीक है सो ये आ जाएगा रो स्क्वायर प्लस जेड माइनस डी या डी माइनस जेड क्या लिखा है डी माइनस जेड है छोटा है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में देखो इसको परपेडिकुलर डालेंगे तो डी तो बड़ा है डी हमारे पास बड़ा हो जाएगा और जेड छोटा हो जाएगा इसलिए डी माइनस जेड लिया है तो हमारे पास डी माइनस जेड का स्क्वायर हो जाएगा और इसका अंडर रूट आ जाएगा और ये आर वन आ जाएगा मैंने आर वन कैलकुलेट कर लिया इसी तरह से आप आर टू कैलकुलेट कर लेना सो दिस इज आर वन एंड दिस इज आर टू चलो इतना हमें समझ में आ गया है अब हम क्या करते हैं देखो आ uh, सिंस यहां सिंसे देखना सिंस आर नो चार्जेस इमेज चार्ज प्लेस तो किया था इमेज चार्ज वॉज नॉट रियल चार्ज तो रियल में वहां पे कोई चार्ज नहीं है जब कोई भी चार्ज नहीं होता है किसी रीजन के अंदर तो हम पढ़ चुके प्रीवियस कुछ टॉपिक्स में हमने पढ़ा है कि चार्ज फ्री रीजन में अगर पोटेंशियल कैलकुलेट करना हो तो हमें लाप्लास इक्वेशन को सोल्व करना होता है सो इट मस्ट बी अ सोल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन क्योंकि लाप्लास इक्वेशन हम जानते हैं डेल टू फाइव इज इक्वल टू रो अपॉन अपनोट होता है चार्ज फ्री ये पाइसन इक्वेशन होती है रो इक्वल टू जीरो पर डेल टू फाइव इज इक्वल टू जीरो होता है इसको सोल्व करने से हमें क्या मिलता है फाइव मिलता है सो so, कहीं पर भी फाइव निकालना है और अगर चार्ज फ्री रीजन है सो वी कैन सोल्व लाप्लास इक्वेशन सो इट मस्ट बी सोल्यूशन ऑफ लाप्लास इक्वेशन विदाउट एनी सिंग्युलरिटीज इन दैट रीजन

पॉइंट पी पर पोटेंशियल मिला फाइव और उस फाइव का कुछ एक्सप्रेशन आया जो हमने ऊपर लिख लिया अभी जस्ट थोड़ी देर पहले लिखा था लेकिन अगर यही पोटेंशियल हम लाप्लास इक्वेशन को सॉल्व करके लेते तो मान लीजिए सॉल्यूशन हमें मिलता है ये सॉल्यूशन हमें मिलता है ये और टू लिखा है क्योंकि ये हम कौन से रीजन में बात कर रहे हैं जेड लेस देन जीरो में जेड लेस देन जीरो में हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू आ रही है वन अपॉन फोर पाई एपसाइलन टू और मान लीजिए कि हमारे पास बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए पोटेंशियल आता तो अगर हमारे पास एक्चुअल चार्ज क्यू ना होकर अगर क्यू नहीं होता तो उसका इमेज चार्ज क्यू प्राइम नहीं बनता लेकिन हमें बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए पोटेंशियल की वैल्यू लेनी है तो मान लेते हैं कि सारी बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए अगर हम फाई की वैल्यू निकालते हैं और वैल्यू निकालते टाइम पे जो चार्ज आता है वो कितना आता है क्यू डबल प्राइम यानी कि क्यू डबल प्राइम ऐसा होना चाहिए जो लाप्लास इक्वेशन के लिए सारी बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे तो वापस ये लाइन रीड आउट कर रही हूं द सिंपलेट सिंपलेस्ट अजम्पन इज दैट फॉर z लेस देन जीरो के रीजन के लिए द पोटेंशियल इज इक्लेंट पोटेंशियल इक्वेलेंट मिलेगा टू दैट ऑफ अ चार्ज Q डबल प्राइम एट द पोजिशन से माना A पॉइंट पर Q डबल प्राइम रखा है और हमें पोटेंशियल की वैल्यू वही मिल रही है जो Q और Q प्राइम के कंबाइंड चार्जेस की वजह से मिल रही है ठीक है तो ये आपको समझ में आ रहा है लाप्लास इक्वेशन को सॉल्व करके पोटेंशियल हमें मिलता मान लीजिए 4.44 और ये वही पोटेंशियल आ रहा है जो कि Q और Q प्राइम के साथ में एग्जिस्ट करते हुए Z लेस देन जीरो वाले रीजन में आता ये हम यहाँ पर कहना चाह रहे हैं ठीक है सो so, इतना हमें समझ में आ गया ये वैसे जरूरी नहीं है दोनों इक्वेशन इसके बिना भी हमारा काम हो जाएगा सो so, हमारे पास में यहां पर कहा जा रहा है द बाउंड्री कंडीशन फोर पॉइंट फोर टू लीड टू द रिक्वायरमेंट फोर पॉइंट फोर टू की जो बाउंड्री कंडीशन है उससे हमें ये रिलेशन मिलेंगे अब ये कैसे मिलेंगे तो फोर पॉइंट फोर टू पर चलते हैं ओके फोर पॉइंट फोर टू पर बाउंड्री कंडीशन ये मिली थी इससे हमें अः uh, बाउंड्री क्योंकि हमारा जो पोटेंशियल है वो बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए अगर q डबल प्राइम चार्ज हम ले रहे हैं तो वो बाउंड्री कंडीशन के uh, हमने क्योंकि मेथड ऑफ इमेज पे पूरा एक यूनिट किया है और उसमें हर बार अपन यही करते थे कि अजम्पन कर लेते थे, थे पोटेंशियल की वैल्यू की और फिर बाद में बाउंड्री कंडीशन से उसको सेटिस्फाई करवा देते थे तो यहाँ पर अपन बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करवाएंगे ठीक है तो वो हम करते हैं चलिए बाउंड्री कंडीशन डिराइव करते हैं ओके okay. सो so, पहली एक बाउंड्री कंडीशन हमें मिली थी कि जो एप्साइलन वन और ई e का इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड कंपोनेंट पे बाउंड्री पे बाउंड्री पे लिमिट जेड टेंस टू जीरो प्लस यानी कि बाउंड्री पे ही समझ लो ये बराबर होना चाहिए लिमिट जेड टेंस टू जीरो माइनस एप्साइलन टू एंड ई जेड पे सबसे पहले ये बाउंड्री कंडीशन लेके चलते हैं और इससे हमें क्या रिजल्ट मिलता है तो हमने दो तरह के पोटेंशियल देखे और वो दोनों सेम होने चाहिए बाउंड्री पे बाउंड्री पे हमें वो सेम होने चाहिए तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं डायग्राम देखो और ये हमारी बाउंड्री है सो so बाउंड्री के आ जाओ बाउंड्री पे ले आए हमारा पॉइंट पी बाउंड्री पे ले आए ठीक है इधर हमारे पास चार्ज <coughs> मान लीजिए अव है और इधर हमारे पास क्यू प्राइम है तो अब हमारे पास बिकॉज ये डिस्टेंस डी है और ये भी डिस्टेंस डी है सो पॉइंट पी से जो डिस्टेंस क्यू प्राइम की है वही डिस्टेंस क्यू की भी होगी सो so, मैं केवल एक की वजह से निकाल लेती हूँ अब हमें क्यू प्राइम का नेचर नहीं पता कि क्यू प्राइम का नेचर कैसा होगा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा वी डोंट नो सो हम यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी और क्यू प्राइम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगी तो इन दोनों के नॉर्मल कंपोनेंट किधर आएंगे नॉर्मल कंपोनेंट जो है नॉर्मल कंपोनेंट में अलग कलर से बना देती हूँ ब्लैक कलर से ठीक है सो so, इसका नॉर्मल कंपोनेंट इधर आएगा और इसका नॉर्मल कंपोनेंट इधर आएगा ठीक है सो so, uh, सबसे पहले यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं हम ये रेड कलर की ये हमारे पास में कितनी है ये हमारे पास में हम पहले भी कर चुके हैं क्यू चार्ज की वजह से अः uh, ये डिस्टेंस आर है और ये डिस्टेंस भी मान लीजिए आर है क्योंकि इस कंडीशन में बाउंड्री पे आर वन आर टू बराबर हो जाएंगे और उसको मान लेते हैं अपन आर सो यहाँ पर फॉर्मूला ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर सपोज दिस इज एंगल एल्फा और सिमेट्री से ये एंगल भी अल्फा ही होगा वो आप चेक कर लेना तो ये कितना होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर एंड कॉस एल्फा हो जाएगा हमारे पास में और ये इधर अपने पास आ जाएगा के क्यू प्राइम अपॉन आर स्क्वायर एंड ये कितना हो जाएगा कॉस एल्फा हो जाएगा हमारे पास ठीक है सो कॉस एल्फा की वैल्यू देखो अगर ये एंगल अल्फा है तो ये नाइनटी माइनस एंगल अल्फा होगा और ये अल्फा हो जाएगा आपके पास में और यहाँ पे आपके पास में आ, ये एंगल अल्फा होगा ज्योमेट्री से आप देख लेना ठीक है ये एंगल आपके पास में अल्फा आएगा और ये एंगल भी एफ के पास में अल्फा आएगा सो so, कॉस अल्फा की वैल्यू यहां से निकालो कॉस अल्फा आपके पास है डी बाई आर बेस और हाइपोटेनियस तो ये हो जाएगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और डी बाय आर और इधर आपके पास मिलेगा के क्यू प्राइम अपॉन आर कैपिटल आर स्क्वायर करना चाहिए था मुझे एनी वेज आर स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा डी बाय आर अब हमें क्या करना पड़ेगा हमें तो डी लेना पड़ेगा और ये इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा लेकिन ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का फॉर्मूला निकालते हैं तो वो हमारे पास में कितना हो जाएगा हम दोनों का राइट बाउंड्री पे लेते हैं सो बाउंड्री पे इसको माइनस कर लेंगे तो एपसाइल वन के साइड में लेते हैं ठीक है सो हमारे पास में जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी चलो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जेड e हमें पता चल गया इजेड e माइनस तो यहां हमारे पास मिला है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बाउंड्री पे कितनी आ जाएगी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास में आ रही है कैपिटल आर क्यू ये याद रखना आप है ना ये हमें मिल रहा है अभी ये इजेड e मिल रहा है ये हमें मिल रहा है इजेड e ठीक है चलो सो so ये हमें मिल गया जब Q और क्यू प्राइम थे और अब हमारे पास निकालते हैं जब सिर्फ हमारे पास q डबल प्राइम था q डबल प्राइम था q डबल प्राइम की वजह से अगर निकालते हैं तो q डबल प्राइम की वजह से इस पॉइंट पे निकालेंगे तो q डबल प्राइम की वजह से डायरेक्टली देख लो हमारे पास कितना आएगा आ, q डबल प्राइम की वजह से आ जाएगा k q डबल प्राइम d अपॉन आर क्यूब ये q डबल प्राइम की वजह से आ जाएगा तो अब हमें इन दोनों को इक्वेट करना है इक्वेट करने के लिए हमें क्या करना है एपसाइलन वन और ई जो कि जेड ग्रेटर देन रीजन में है और एपसाइलन टू और इेड को इक्वेट करना है अब यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखना ये आपका डी एन वन को रिप्रेजेंट कर रहा है डी वन और ये आपका डी टू को रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है वो आपके पास बाउंड्री पे क्या होता है इक्वल होता है अब ध्यान से समझना एपसाइलन वन और प्रीवियस वाले केस में जो जब हमारे पास क्यू और क्यू प्राइम था वो वाली वैल्यू रख रही हूँ तो नाउ आपको एप्सिलॉन वन वाला रीजन समझ में आ रहा है क्योंकि हम राइट हैंड साइड की बात कर रहे हैं और अब डी एन टू की बात करेंगे ठीक है, Less than zero वाली क्योंकि राइट हैंड साइड में हमारे पास में इधर क्या था इधर लगाया था, z प्लस तो एपसाइलन आएगा सारा इधर लगाया था, z tends to zero minus, तो epsilon 2 आएगा। so, ये किसके बराबर होना चाहिए, epsilon 2 और q double prime की वजह से आना चाहिए सो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन टू एंड q डबल प्राइम d अपॉन आर क्यूब ये अब आपको ये रिलेशन समझ में आना चाहिए ये मैंने बाउंड्री कंडीशन लगाई है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे ये बाउंड्री कंडीशन को अगर अपन सोल्व करेंगे तो आप सोल्व कर लो आराम से देखो सोल्व uh, करने से आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पे एप्साइलन एप्साइलन से कैंसिल आउट हो जाएगा इधर एप्साइलन एप्साइलन से कैंसिल आउट हो जाएगा फोर पाई से फोर पाई कैंसिल आउट हो जाएगा d अपॉन आर क्यूब डी अपॉन आर क्यूब एंड डी अपॉन आर क्यूब तो यहाँ मिल रहा है अपन को q माइनस क्यू प्राइम और राइट हैंड साइड में मिल रहा है अपन को q डबल प्राइम तो देखो बाउंड्री कंडीशन से ये मिला है या नहीं मिला है मैं बता देती हूँ आपको तो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन से हमको जो रिजल्ट मिला है ये रहा q माइनस क्यू प्राइम इज इक्वल टू क्यू डबल प्राइम अब सेकेंड वाली जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है उनको इक्वल करना टेंजेंशियल कंपोनेंट को इक्वल करने से अच्छा है कि फाइव वन फाइव टू को इक्वल कर लो आपने बी एस सी में बाउंड्री कंडीशन पढ़ी होगी कि जो सरफेस होता है जो बाउंड्री होती है तो बाउंड्री पे लेफ्ट से राइट right में जाते हैं तो जो फाइव होता है वो कंटिन्यूस होता है फाइ क्या होता है कंटिन्यूअस होता है पोटेंशियल कंटिन्यूस होता है तो हमने जो फाइव वन लिखे थे बाउंड्री पे वो सेम होने चाहिए क्योंकि बाउंड्री कंडीशन को सैटिस्फाई करना चाहिए पहला जो फाइ निकाला था वो तो हमने प्रॉपर क्यू और क्यू प्राइम से निकाला था दूसरा हमने लाप्लास इक्वेशन को सोल्व करके निकाला था और वो माना था क्यू प्राइम चार्ज की वजह से पोटेंशियल आएगा और वो उतना ही आएगा जितना क्यू और क्यू प्राइम की वजह से आएगा ताकि बाउंड्री कंडीशन का वायलेशन नहीं हो तो इन दोनों को बस इक्वेट कर दो सिंपली तो हम फाइव वन और फाइव टू को इक्वल कर देते हैं जो हमें मिला है सो हमारे पास फाइव वन कितना था फाइव वन हमारे पास था बाउंड्री पे करना है अपन को बाउंड्री पे सो वन अपॉन फोर पाई एपसाइलन वन एंड क्यू अपॉन आर वन प्लस क्यू प्राइम अपॉन आर टू ये हमारा एक्चुअल पोटेंशियल था और लाप्लास इक्वेशन से जो हमने निकाला था वो हमारा था वन अपॉन फोर पाई एपसाइलन टू और यहाँ पे क्या था क्यू डबल प्राइम अपॉन आर करेक्ट Uh, हमने आर वन क्यू लिया है क्योंकि जो चार्ज था वो क्यू डबल प्राइम जो है वो कहाँ पे रखा हुआ है ए पर रखा हुआ है और ए से जो डिस्टेंस ली गई है वो आर वन है ठीक है लेकिन अब बाउंड्री कंडीशन की बात कर रहे हैं अगर आप बाउंड्री कंडीशन की बात करोगे तो आपको आर वन को आर टू को इक्वल रखना पड़ेगा आर के सो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन वन और यहाँ पे आर कॉमन आ जाएगा अंदर बच जाएगा क्यू प्लस क्यू प्राइम उट हो जाएगा ये बचेगा वन अपॉन एपसाइलन वन क्यू प्लस क्यू प्राइम और इधर आ जाएगा वन अपोन एपसाइलन टू क्यू डबल प्राइम तो हमारे पास फाइव वन इक्वल टू फाइव टू बाउंड्री कंडीशन से हमें यह मिलेगा जो की यहाँ पे दे रखा है देखो ठीक है सो so, ये दोनों मैंने डिराइव आपको करवा दी है अब अब मैं नहीं करूंगी अब नाउ यू हैव टू इक्वेशन एंड टू अनोन अब यूजिंग दीज इक्वेशन देखो क्या करना है आपको इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में दो अननोन रखने हैं आपको और आपको क्या करना है क्यू प्राइम की और क्यू डबल प्राइम की वैल्यू निकालनी है ठीक है सो इन दोनों को अननोन मानना है इसको एक्स मान लो इसको वाई मान लो और सॉल्व कर लो दो इक्वेशन को तो आपके पास में मिल रहा है क्यू माइनस एक्स इज एक्स इज इक्वल टू वाई और दूसरा मिल रहा है वन अपॉन एप्साइलन वन क्यू प्लस एक्स इज इक्वल टू

में में आपने देखा था था हमारे हमारे पास पास जब हमने किया था, तो डेंसिटी रो नहीं आके कितनी आई थी रो माइनस डेल डॉट पी आई थी रो माइनस डेल डॉट पी जबकि एक्चुअल में हमारे पास चार्ज डेंसिटी कितनी होती है सिर्फ रो होती है लेकिन हमारे पास कितनी आई थी रो माइनस डेल डॉट पी इसका मतलब पोलराइजेशन वजह से जो एक्स्ट्रा चार्ज डेंसिटी आई थी और डेरिवेशन चाहिए तो आप गूगल पे सर्च कीजिएगा गॉस लॉ फॉर डाइलेक्ट्रिक्स तो उसके अंदर इसका डेरिवेशन भी आ जाएगा गॉस लॉ फॉर डाइलेक्ट्रिक तो वहां पे भी आपको ये मिल जाएगा लेटमी सी मेरे पास ये इसका डेरिवेशन किया हुआ है क्या ओके आई डोंट हैव इट मेरे पास ये नहीं है नहीं है, ये ये से लेना पड़ेगा आप देख लेना लॉ फॉर गोस्टलेक्ट्रिका हुआ अगर आपका होगा तो आपको समझ में आ जाएगा ये माइनस डेल डॉट पी जो होता है ये बाउंड चार्ज होता है और पोलराइजेशन की वजह से आता है इसे यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म आया था नाउ इन साइड आईदर डायलेक्ट्रिक दोनों डायलेक्ट्रिक के अंदर एक फॉर्मुला वैलिड रहेगा कैपिटल पी इज गिवन बाय एप्सिलॉन नॉट काई टाइम्स ई सो माइनस का डेल डॉट पी कितना हो जाएगा मैं ये यह, यहाँ लिख देती हूँ ये सब चीजें जो जो लिखी जा रही है हमें कहा जा रहा है कि पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी है माइनस का डेल डॉट पी फिर हमें कहा जा रहा है कि पी इज इक्वल टू एपसाइल का होता है तो यहाँ से अगर डेल डॉट पी निकालेंगे माइनस का तो माइनस इट इज आ जाएगा और डेल किस पे लग जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड पे लग जाएगा नाउ चार्ज फ्री रीजन के अंदर हमारे पास ये किसके इक्वल होता है जीरो के इक्वल होता है तो ये जीरो रहेगा करेक्ट ये जीरो रहेगा सो तो हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है दिस विल बी जीरो एक्सेप्ट एट द पॉइंट चार्ज क्यू वाई क्योंकि आप देखो यहाँ पर डेल डॉट ई e जो होता है डेल डॉट ई होता है रो अपॉन epsilon तो जहां चार्ज डेंसिटी नहीं है वहां तो ये जीरो हो जाएगा लेकिन जहां पर क्यू रखा हुआ है वहां तो चार्ज रखा हुआ है तो वहां रो नॉट इक्वल टू जीरो होगा सो so ये जो आपने एक्सप्रेशन लिखा है दिस इज वैलिड एट ऑल द पोजिशन एक्सेप्ट एट द पोजिशन ऑफ चार्ज क्यूब यही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है एक्सेप्ट एट द पॉइंट चार्ज क्यूब ठीक है डेल है, है, काई e की वैल्यू आएगी एप्साइलन वन माइनस एपसाइलन टू अपॉन एपसाइलन ये कैसे आया ये आ, काई e के अंदर जम्प कैसे आया लेट सी सो देखो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था पर मैं ई लिखना नहीं चाह रही काई से समझ जाना ये फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं ये बेसिकली वही होता है एपसाइलन आर इज इक्वल टू वन प्लस काई प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं तो हमें ये मिल गया ठीक है सो हम यहाँ दोनों डायरेक्ट के लिए लिखते हैं फर्स्ट डायरेक्ट के लिए हम लिखते हैं एपसाइलन की जगह कितना आ जाएगा एप्साइलन वन ओके okay? सो so, यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास काई वन आता है हैिटी सेकेंड वाले के लिए आ जाएगा एप्साइलन टू अपॉन एप्साइलन नॉट वन प्लस काई टू आ जाएगा हमारे पास ठीक है ये दोनों के दोनों डायरेक्टर के लिए हमारे पास में आ गया अब हम इसमें से माइनस कर देंगे यहां से काई वन और काई टू का डिफरेंस निकाल लेंगे तो काई वन माइनस काई टू का डिफरेंस आप निकाल लेना यू है, so, है, है और लिखा हुआ यहाँ पे ठीक है एस जेड तो बाउंड्री से जैसे ही पास होते हैं ये हमारे पास में आ गया दिस इम्प्लाइज दैट देर इज नो पोलराइजेशन सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन प्लेन जेड इक्वल टू जीरो अब हमारे पास सरफेस चार्ज डेंसिटी में पोलराइजेशन की वजह से कितना होता है ये एक बाउंड्री कंडीशन से हमें मिलता है सिग्मा पोलराइजेशन सिग्मा क्या होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी बाउंड्री जो है बेसिकली ये आपके पास सरफेस है इस सरफेस पे पोलराइजेशन की वजह से जो चार्ज डेंसिटी आती है उसको सिग्मा पोलराइजेशन हम बोलते हैं और इसकी वैल्यू आती है p2 p1 n21 जहां पर n21 और p2 क्या है पहले मैं बता देती हूं आपको एन टू वन जो है इट इज द यूनिट नॉर्मल फ्रॉम डायलेक्ट्रिक वन टू डायलेक्ट्रिक टू यानी बाउंड्री ऐसे है तो इस यहाँ से वन से टू की तरफ है ये हमारे पास एन टू वन है ठीक है और जो P है इट इज द पोलराइजेशन इन द डायेक्ट्रिक एट z इक्वल टू जीरो जेड इक्वल टू जीरो में इधर P1 है पोलराइजेशन बाउंड्री पे और इधर P2 है सो so जैसे ही आप यहाँ से यहाँ जाएंगे इस सरफेस पर पोलराइजेशन सरफेस चार्ज डेंसिटी जो है वो हमें गिवन जो फॉर्मूला था उसकी वजह से है अब वो कैसे आया इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में समझा देती हूँ देखो अभी अभी हमने बोला था कि रो जो था बाउंड चार्ज डेंसिटी जो थी वो कितनी थी डेल डॉट पी के इक्वल थी माइनस का डेल डॉट पी के इक्वल थी तो यहाँ पे अगर, अगर अपन दोनों साइड में वॉल्यूम इंटीग्रेशन करते हैं दोनों तो साइड में डीवी से मल्टीप्लाई कर दो तो रो डीवी आ जाएगा और इधर डेल डॉट पी और डीवी आ जाएगा दोनों साइड में इंटीग्रेशन ले लो इंटीग्रेशन आ जाएगा ये यहाँ पे गॉस जन थ्योरम लगाओ गोस डाइवर्जन कहती है डेल डॉट डॉट ए ए डीवी इज टू होता है सो लेफ्ट हैंड साइड से आपको मिल जाएगा अः uh, माइनस का पी डॉट सरफेस डी ए मिल जाएगा करेक्ट और ये रॉड डीवी uh, जो होता है ये कितना होता है टोटल चार्ज क्यू होता है लेकिन जो हम सरफेस पे चार्ज लेते हैं अगर वॉल्यूम में हमें चार्ज एलिमेंट लेना है वॉल्यूम में अगर डी क्यू चार्ज एलिमेंट लेना है तो रो डी से बताते हैं लेकिन अगर सरफेस पे लेना होता है तो कितना होता है सिग्मा डी होता है तो इधर कितना आ जाएगा आपके पास में सिग्मा डी हो जाता है तो छोटा सा एलिमेंट के लिए लेते हैं तो सिग्मा डी ए इज इक्वल टू माइनस का पी डी हो जाएगा सो डी ए से डी ए कैंसिल आउट हो जाएगा और आपके पास में सिग्मा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का पी लेकिन हम क्योंकि वन से लेकर पी में जा रहे हैं बाउंड्री से हम यहाँ से क्रॉस करेंगे अब यहाँ पे पी वन

Equation number का आपको आपको बता है 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 ये ये जो lines बनाई भी है, ये not important. आपको syllabus में include भी अपने में 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 वो नहीं करना है, that's leave it. अब हमारे पास में क्या आता है यहाँ पे देखो अः ये एक रिलेशन आता है ये रिलेशन कैसे यहाँ पे देख लो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ा था d इक्व टू ये होता है डी का एक फॉर्मूला होता है Epsilon e. ठीक है सो so, uh, इसको इधर लेके चले गए तो ये आ जाएगा और हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाएगा पी का और ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है ये रहा नीचे आई इसलिए लगाया हुआ है क्योंकि आई की वैल्यू वन हो जाएगी फर्स्ट मीडियम के लिए आई की वैल्यू टू हो जाएगी सेकेंड मीडियम के लिए सो हमें क्या करना है यहाँ पे ई आई होता है हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो माइनस का डी एल होता है सो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा बाकी एज इट इज है और यहाँ डी एल आ जाएगा और ये जीरो प्लस माइनस लिखा हुआ है यानी कि ये बाउंड्री की बात हो रही है बाउंड्री बाउंड्री पे जीरो प्लस भी हो सकता है जीरो माइनस भी हो सकता है इट इज अ सिंपल मैटर टू शो दैट द पोलराइजेशन चार्ज डेंसिटी इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन तो सिग्मा पोलराइजेशन जो है वो ये मिलेगा ये हमें डिराइव करना पड़ेगा ओके okay, वो जो सिग्मा पोलराइजेशन का फॉर्मूला था उसका एक्सप्रेशन यहाँ पे है तो वो थोड़ा सा आप एक बार देख लीजिए uh, मैंने आपको पी का फॉर्मूला बता दिया था अभी थोड़ी देर पहले हमने देखो यहाँ पे देखा था ये वाला P वाला ना यहाँ पे लिखा हुआ है की पी आई इज इक्वल टू एपसाइल आई माइनस एपसाइल नॉट एंड ई आई तो यहाँ से अपन पी वन लिखेंगे यहाँ से आ जाएगा ई टू करेक्ट ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा सो so, यही चीज यहाँ पे लिखी हुई है तो हम पी टू माइनस पी वन करते हैं क्योंकि सिग्मा पोलराइजेशन का फॉर्मूला हमें पता था कितना था माइनस पी टू माइनस पी वन सॉरी यहाँ लिखना है। सिग्मा पोलराइजेशन का फॉर्मूला अभी भी, भी देखा था माइनस पी टू माइनस पी वन डॉट एन के था तो हमें पी टू और पी वन निकालना पड़ेगा तो हम पी टू माइनस पी वन निकाल लें तो फॉर्मूले से पी टू हमारे पास ही आ जाएगा और पी वन हमारे पास ही आ जाएगा ई टू की जगह हमने ये लिख लिया और ई वन की जगह हमने ये लिख लिया ठीक है सो so, हमारे पास यहाँ पे आ, ये सारी चीजें जो है वो प्लस में आ जाएगी इसमें देखो इसमें से माइनस कॉमन ले लिया एपसाइलन टू पहले था माइनस कॉमन ले लिया सो देट यहां वाला माइनस हट के ये तो प्लस हो गया और ये माइनस और ये माइनस आपके पास कैंसिल होके प्लस हो गया और ये टम तो हमारे पास एज रह गया अब हमको इसको एज इट इज रखते हैं डेल फाइव डेल फाइव में फाइव जो है हमारा केवल डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे डेल बाय डेल करेंगे डेल डेल बाय करेंगे आ, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं और फाइव हमारे पास में कितना था क्यू डबल प्राइम था और फाइव हमारे पास में क्या था ये था क्यू और क्यू प्राइम के टर्म में ठीक है so, सो यहाँ पे अपन क्या करेंगे अः इस फोर पाई एफ साइलो टू को हमने बाहर ले लिया और डेल बाय डेल जेड वन अपॉन आर वन हो जाएगा और यहाँ पर डेल बाय डेल जेड क्यूब प्राइम पे और क्यू पे लग जाएगा ठीक है अब अपन क्या करेंगे अः आर वन की वैल्यू पुट करेंगे आर वन की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है आर वन की वैल्यू हमने ली थी यहां पर देखो एक बार ये रहा आर वन दिस वॉज आर वन ठीक है रो स्क्वायर एंड डी माइनस जेड स्क्वायर तो हमारे पास यहाँ पे मुझे एक बार करना पड़ेगा एक डिफ्रेंसिएशन में करके बताती हूँ डेल बाय डेल जेड होगा और वन अपॉन आर वन था तो ये हो जाएगा डेल बाय डेल जेड एंड वन अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी माइनस जेड का स्क्वायर और इसकी पावर वन बाय टू ठीक है सो so, इसका जेड के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा तो एनएक्स की पावर एन माइनस वन करना पड़ेगा सबसे पहले ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी माइनस हाफ हो जाएगी सो so, वो डिफरेंसिएशन आप कर लेना वो डिफरेंसिएशन आई एम लिविंग अप टू यू और यहां पर देखो जब डिफ्रेंसिएशन करोगे जेड के रेस्पेक्ट में तो आपको ये टर्म मिलेगा यहाँ पे ठीक है z के रेस्पेक्ट में आपको करना है तो डिफरेंशिएशन आपको मिलेगा ये और यहां पर जो डिफरेंशिएशन आपको मिलेगा ये और इसके अलावा ये चीज बाउंड्री पे हो रही है इसलिए आपको जब डेल बाय डेल जेड आप निकाल लोगे तो जो भी आपके पास एक्सप्रेशन आएगा उसमें जेड इक्वल टू जीरो पुट कर देना प्रोबेबली यू विल गेट दिस एक्सप्रेशन ठीक है पहले तो फॉर्मूले में Z होगा R1 के फॉर्मूले में तो डिफरेंशिएशन तो इजीली हो जाएगा लेकिन डिफरेंशिएशन में आपको Z का टर्म मिलेगा राइट तो आपको यहाँ पे उसकी वैल्यू पुट करनी रहेगी तो डिफ्रेंशिएशन करने के बाद आप जेड इक्वल टू जीरो रखना आपको ये मिल जाएगा इधर आपके पास ये मिल जाएगा चलिए अब हमने कॉमन क्या क्या लेना है जो टर्म कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो और q डबल प्राइम वाले टर्म को ले लिया q वाले टर्म को ले लिया और q प्राइम वाले टर्म को ले लिया ये आप सिंपल सा देख लेना इसके बाद आ, इसके बाद हमने q प्राइम की वैल्यू रखी है और q प्रा क्यू डबल प्राइम और q प्राइम की वैल्यू रखी है मैं बता देती हूँ कहाँ पे मिली थी हमें देखो सॉल्व करने से इक्वेशन 4.45 देखो 4.45 ये रहा क्यू प्राइम और ये रहा क्यू डबल प्राइम तो क्यू प्राइम और क्यू डबल प्राइम की वैल्यू पुट करनी है तो क्यू डबल प्राइम की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे और क्यू प्राइम की वैल्यू पुट करोगे यहाँ पे और क्यू वाला टर्म आपके पास एज इट इज है यहाँ पे कोई टेंशन नहीं है ठीक है और वो सारे क्यू के टर्म में आ जाएंगे तो क्यू को हमने यहाँ पे बाहर ले लिया है क्यू को हमने यहाँ पर बाहर ले लिया है मेरी हैंड राइटिंग खराब है सॉरी ठीक है ये अपने पास आ जाएगा अब आप इसको सिंपलीफाई करो देखो यहाँ कैंसिल आउट जो टर्म कैंसिल किए हुए हैं उसके बाद आपके पास ये टर्म मिल जाएगा इसके बाद एलसीएम लेना है एलसीएम लेने से आपको ये वाला एक्सप्रेशन मिल जाएगा ये भी आप खुद देख लेना उसके बाद आपके पास में ये एलसीएम के ऊपर वाली न्यूमरेटर में सारे टर्म को ओपन कर लो सारे टर्म को ओपन करने के बाद आपके पास रिअरेंज किया है मैंने तो जैसे ये थ्री है और ये थ्री है ये टू है और इस टर्म को टू नाम दे दिया ये थ्री एपसारें एपसारें टू के प्रोडक्ट को मैंने टू नाम दे दिया कैंसिल आउट हो रहे हैं कुछ टर्म्स सारे कैंसिल आउट कर लेना रिमेनिंग टर्म आपके पास ये बचेगा और आंसर आ जाएगा आपके पास ये ठीक है ये पूरा आंसर आने के बाद हमने एक टर्म और है जिसका यहाँ पे अः कुछ नहीं किया है आई गेस वी हैव एवरीथिंग सो फॉर्मूला जो है हमने डिराइव यहाँ पे कर लिया है और क्या यही फॉर्मूला हमारे पास सिग्मा पोलराइजेशन का था लेट्स सी यस yes, ये देखो फोर पॉइंट फोर सेवन फोर पॉइंट फोर सेवन तो हमने यहाँ पे बाउंड्री पे सरफेस चार्ज डेंसिटी निकाल ली अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है द सेकेंड इलिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोज ये सेकंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे सो so, आज हमने बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम वन कम्प्लीट कर लिया कल हम टू कम्प्लीट कर लेंगे इसी तरह से तीन बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है हमें तीनों करनी है जो so, आज के लिए इतना ही